उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पूरा कार्यक्रम जहाँ विवादों में किया रहा, एक तरफ जहाँ ईवीएम में वीडियो का थप्पड़ जड़ दिया, वहीं सड़क की मांग को लेकर प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सभा के दौरान प्रदर्शन किया। रहा सवाल डिप्टी सीएम का, तो उन्होंने योगी और मोदी सरकार की योजनाओं का जहां खुलकर बखान किया, वहीं अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर जमकर हमला किया। केशव मौर्य ने लोगों को आगाह किया कि गठबंधन के बहकावे में न आए, यह आने वाली नस्ल को भी प्रभावित करेगा। डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम 11:30 से 2:15 देर से 1:15 बजे रामदेव मेमोरियल महाविद्यालय रानीपुर मोहम्मद पहुंचे। कार्यक्रम अभी शुरू ही था कि कोयलसा ब्लॉक के मड़ीसा बिल्लब गांव के सैकड़ों लोग प्रधान विनीत जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने ग्रामीणों को मुख्य गेट पर ही रोक लिया, इसे लोगों में गुस्सा भड़क गया। ग्रामीण नारेबाजी शुरू कर दिए, हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने प्रधान को हिरासत में ले लिया। इसके बाद ग्रामीण वही धरने पर बैठ गए। लोग प्रधान को रिहा करने की जिद पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार सर्व समाज के विकास के लिए तत्पर है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत सरकार ने गरीबों को 5 लाख तक रुपए के उपचार की व्यवस्था मुफ्त की गई है। यह मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। उन समस्याओं का त्वरित समाधान करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आप ये मान करके चलें कि फेल है, फेल हो जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजय रथ को 2019 के चुनाव में नहीं रोक पाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें IB इंडिया न्यूज।